हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल त्यामिको ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 10:45 बजे। स्टार्ट क्या हो रहा है, कुछ क्लिप्स हैं जो मैं ऐड करने वाली हूँ जो पहले शूट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ब्लॉग जाएगा बैक में, तो आप देखना अभी जो क्लिपिंग आएंगी वो थोड़ी देर पहले की हैं, पर ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। वेलकम आपका दित्या मिकोर व्लॉग्स में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मेकअप, हेयर और स्किन केयर की ढेर सारी वीडियो और साथ में कॉस्मेटिक की नॉलेज, और साथ ही साथ आप एंजॉय करोगे फैमिली व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स। अगर आप ये सब एंजॉय करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ दित्या मिकोर व्लॉग्स में। कीप कंटिन्यू, कीप वॉच। मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैं वेट कर रही हूँ स्पेशल पर्सन का, जिसके लिए जिसका मैंने आपको बताया था, तो मैं अभी उसी का वेट कर रही हूँ कि आ जाए और मैं नहा धो के रेडी हूँ जाने के लिए शॉप पे, तो निकलेंगे। और धूप इतनी हो रखी है बाहर, देखो कितनी धूप हो जाती है, सुबह जल्दी जाते हैं ना तो ठीक है गाइस, और इस टाइम ना इतनी धूप हो रखी है देखो बहुत ज़्यादा। और काम सारा कंप्लीट हो चुका है, सारा मैंने सेट कर रखा है सारा रूम अच्छे से, ये देखो ये मैं बोर्ड के जाऊँगी, कंप्लीट रेडी है। देखो गाइस, आ गई हमारी स्पेशल पर्सन, मैं कितनी देर तक वेट करने लग रही हूँ, आधा घंटा हो गया। देखो कौन कौन आया है, ये देखो गाइस, इसका इंतजार कर रही थी मैं, भूले बिसरे लोग। आई मिस यू। तो गाइज हम आ चुके हैं शॉप पर, अरे वो आते ही लगी है फोन बिड़ाने अपने हस्बैंड के पास, पता ना कि ऑर्डर कर रही है। और बस ये मेरे साथ इसलिए आएगी, इसको डॉक्टर के जाना है और उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, चुगलियाँ करेंगे, बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो चुगलियाँ चलेंगी, चुगलियाँ, और अपना कुछ करवाना होगा तो वो करवा लेंगे, है ना भाई। जब ऊपर एसी चलाया सीनो, एसी चला के छोड़ा, और ये दोनों देखो पीछे से फोन में घुसी हुई हैं दोनों के दोनों। गाइज बोलो इनको, काम नहीं करते हैं, गाइज इन्होंने की है सफाई, अभी ये मैंने इनको बोल दिया ना काम नहीं कर रहे, तो इन्होंने अभी अभी मुझे बताया कि हमने सारी शॉप की इधर 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 सारी सफाई कर दी है, और कमाई भी की है सफाई के साथ, वो जरूर कमाई भी कर रखी है। और यहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है नैन्सी? हाँ तेज बोला कर, रोटी ना खाई होंगी अभी, जब तो आवाज ना निकलती, हेलो गाइस। तो यहाँ पे ना चल रही है थ्रेडिंग वगैरह और ब्लीचिंग वगैरह, दो तीन कस्टमर थे, एक का काम हो गया है वो अभी निकल गई है, इनकी थ्रेडिंग हो रखी है और इनके साथ में ही एक कस्टमर ने ब्लीच वगैरह फेशियल वगैरह करवाया है, उनका काम भी साइड में चल रहा है, और मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि भाई काम वगैरह अच्छे से हो रहा है या नहीं। तो और कविता नीचे है, हमने गप्पे वप्पे मारे हैं, अब ये काम हो जाएगा ना फिर हम नीचे जाके लंच करेंगे। जो ये घर के साथ वाला है, जो इसमें रहते थे आप, कहाँ से हो आप वैसे? अच्छा समझ गई समझ गई समझ गई, वो जो वो पंडित जी हैं वो क्या उनके कनेक्शन में है ना आप, मटिंडू जो वो बुजा वगैरह पढ़ते हैं उनके भाई वगैरह हैं वो। हाँ, वही ना, हाँ 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 वही, समझ गई। अभी बैठ चुके हैं नीचे और खाना खा रहे हैं दोनों जने, और ये देखो ये है आलू सोयाबीन की सब्जी, रोटी, सैलेड प्याज की जो कि बड़ी फेवरेट है,
और करेले, और ये है मिर्च तली हुई। तो अभी हम कर रहे हैं लंच। किसी से करेले मेरे बने हो ना, करेले तुम्हारा बना रहे। और एसी खराब हो रहा था, वो करवाया है ठीक। और अभी तो कुछ दिक्कत की थी, बताइए भैया थोड़ा क्या दिक्कत थी एसी में। किसी भी खराब सर्विस है। अच्छा, सर्विस कर दिया आपने। फिर इसका पूरे का कंप्लीट का कितना चार्ज लगेगा? 2200। थोड़ा सही कर लो। 1900 की कार्ड का है वो, जो कार्ड का कार्ड वो जब या जली ना, जब दिखाई थी तो वो कार्ड देखो जी जली और चीज दे के वो कार्ड वो फाल्टा था ना, सप्लाई उड़ जा तो वो रिपेयर हो जाए। ये नहीं रिपेयर होती थी, जली और ये रिपेयर हो गया। देख लो वो डीजल रहा है इसका, नीचे पैकिंग लगी जा रही है मोस्टर ना बड़ा। फिर इसमें भी दिक्कत थी या तो सही काम कर रही थी या प्लेट तो या जो है या कहोगे तो मैं वापसी ले लेना चाहिए, नहीं तो वो मैंने वो वाली नुगी नु कंप्लीट लगा दी जो कर कंप्लीट को रिलीज। या फिर या काम ना करती या वो वाली या पुराने वाली जैसा कर रही उसा करते ही काम जी जैसा पहले कर रही। मैं तो जो कर कंप्लीट ले रहा था ना जी, अगर 1900 रुपए दोगे ना जी प्लेट के तो ये वापसी ले जानी है ये वाली प्लेट। अच्छा हां, नुगी नु कंप्लीट आ रही थी नुगी नु लगा दी था सीधे खाई। तो गाइस एसी है ना, एसी में रखी थी प्रॉब्लम और ये करवाया आज ठीक। और ये पिछले सीजन से ख़राब हो रखा था, हम अब तक है ना बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर रहे थे कि बस अभी बच्चों के जैसे एडमिशन वगैरह हुए थे, इतने खर्चे हो रहे थे इसे, ये ही ठीक नहीं हो रहा था। और इतने परेशान हो रखे थे, आपको पता है कितने दिन से कितनी गर्मी हो रखी है। वो तो बीच बीच में बारिश की वजह से थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता था, तो इसलिए कि चलो और थोड़ा टाइम निकल जाए। पर आज है ना, मतलब अभी कई दिन से इतनी गर्मी हो रखी है। फिर ये था कि अब जब पवित्र मामा के से दित्यार वापस आएंगे ना, तो वो कैसे रुकेंगे एसी के बगैर। तो आज एसी ठीक करवाया है और इसमें ना इतना खर्चा हो गया है फालतू का, आप पूछो मत एसी का है ना। बहुत सारे पैसे लग गए हैं, बहुत बार्गेनिंग भी की मैंने एसी वाले के साथ, मतलब मैकेनिक के साथ, पर उसने कुछ खास लेस वगैरह किए नहीं गाइस। तो अब ये चला है और अब ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अभी अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो एसी हो गया है ठीक। तो और अभी इधर मैंने अपना थोड़ा सा आज दूध डाल लिया है और ये है सब्जी, तो मैं लेऊंगी अभी दूध और सब्जी। रोटी खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, सोयाबीन की सब्जी है वही खाऊंगी मैं। मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं कर रही हूँ अपना काम और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू ले रखी है मैंने ये, क्योंकि जो फूल झाड़ू है ना वो बिल्कुल छोटी हो रखी है और रोज़ लानी भूल जाती हूँ मैं, तो आज कोशिश करूँगी याद करके लाऊँगी। अभी झाड़ू लगा रही हूँ, ये देखो झाड़ू लगा के किचन में जाऊंगी, वहाँ बर्तन वगैरह करूंगी और आज बनाऊंगी नमकीन चावल, तो फिर वो बनाऊंगी। तो फटाफट मैं अपना काम निपटा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। अभी आ चुकी हूँ किचन में और किचन में क्या क्या काम पड़ा है, ये बर्तन देखो ये, और ये मैंने चावल भिगो रखे हैं, अभी वॉश नहीं किया, बस भिगो के छोड़ दिए हैं, वॉश करूँगी बाद में। ये इधर प्याज वगैरह कटे हुए रखे हैं, सिंपल प्लेन नमकीन चावल बनाऊंगी क्योंकि खाने वाला कोई है नहीं, मैं और परमजीत खाएंगे, थोड़ी सी माँ खाएगी, ज़्यादा नहीं खाएगी क्योंकि उसको भी परहेज है, तो कोई नहीं खाएगा। माँ सब्जी रखी है तो सिर्फ अपनी रोटी बनाएंगे। और इसके बाद मुझे नीचे से लगाना है पोछा, बाकी मैंने सारा घर अच्छे से फिट कर दिया है और झाड़ू वगैरह सब झाड़ पूछ सब कर दिया है, तो अभी फटाफट कर लेते। तो मैं सारा काम ख़त्म करके अभी बैठ गई थी और मैंने क्या किया, मैंने पिया है पानी भर के ये शक्कर का, और बस अभी मैं जा रही हूँ फटाफट नहाने क्योंकि टाइम हो चुका है ज़्यादा और मैं लेट हूँ, तो मैं बस यूँ गई और यूँ आई फटाफट से, वरना लेट हो जाएंगे। और आज चाबी मेरे पास ही है, वरना मैं वहाँ किसी को सौंप के आ जाती हूँ जब, पर आज चाबी मेरे पास ही है तो लेट हो जाएंगे शॉप खोलने में नैन्सियर, तो फटाफट निकलती हूँ। ओके बाय बाय। नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ और अभी खा रही हूँ थोड़े से चावल, थोड़े से क्या काफ़ी डाल रखे हैं, ज़्यादा हैं खाए नहीं जाएंगे, और थोड़ा मक्खन भी है, और इसलिए खा रही, वैसे तो लेट हो रखी हूँ, लेट होंगी आज मैं 10 से 15 मिनट, और वहाँ पे वो वेट करेंगी, इसलिए लेट हो रही हूँ क्योंकि है ना फिर चावल लेके तो जाऊँ पैक करके, पर ठंडों में मज़ा नहीं आता, गरम गरम खाने में मज़ा आता है। तो फटाफट से मैं नमकीन चावल खा लेती हूँ, परम जी दूसरे कमरे में खाने लग रहे हैं, वहाँ माँ के पास बैठे हैं और मैं इधर हूँ। तो मैं हूँ अभी शोरूम पे और अभी उड़ के रात 8 बज चुके हैं, रात के 8 क्या 8:30 हो चुके हैं, और अभी इसलिए हम यहाँ पे कि मैं आ चुकी हूँ शॉप से, इधर ये मेरे बैग वगैरह रखे और ये उधर
हिसाब किताब चल रहा है, तो अब बस शोरूम बढ़ा के फिर घर के लिए निकलेंगे सारे। बाहर दिख रहा होगा आपको, अंधेरा हो रखा है बाहर, और बस अभी घर जाएंगे। और मेरे और रखा है सिर में दर्द, बहुत दर्द हो रखा है गाइस, दो तीन दिन हो गया ना, तो मेरे को रात को नींद आती है, पता नहीं क्या हो रखा है। और बस शॉप पे आज ऐसा कुछ था नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने नहीं किया। अब मिलेंगे घर पे जाके।